राम राम जी सभी भाइयों को। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ हर्ष विहार, जहाँ पे खाटू श्याम बाबा जी ने दर्शन दिए थे। तो अब यहाँ पे जो है मंदिर का निर्माण कार्य चालू हो गया है। देखिए पीछे दीवार, जहाँ पे बाबा के दर्शन हुए थे सामने, और ये देखिए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यही सामने वो दीवार है जहाँ पे बाबा श्याम जी प्रकट हुए थे। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ पे जो है निर्माण कार्य चालू हो गया है। ये देखिए पिलरों के लिए जो है सरिया वगैरह यहाँ पे लग गए हैं। यहाँ पे देखिए पूरे में अच्छे काफ़ी हैवी सरिया लगाए गए हैं। ये देखिए खुदाई हो रही है। यहाँ पे क्या है ना, बेसमेंट बनेगा ऐसा सुनने में आ रहा है। नीचे नीचे बेसमेंट रहेगा, फिर फर्स्ट फ्लोर से बाबा श्याम की मूर्ति लग के यहाँ पे पूरा बड़ा मंदिर बनेगा। तो चलते हैं अंदर, ये बात करते हैं। यहाँ पे कुछ भक्त बैठे हैं, मतलब डेली यहाँ पे डेली बैठे रहते हैं यहाँ पे। तो बाबा के दर्शन करते हैं यहाँ पे आराम से। तो जय श्री श्याम जी, जय। कैसे हो आप सब? और बाबा की कृपा है, काम चल रहा है यहाँ पे? काम चल रहा। अच्छा, और सब बढ़िया चल रहा है? अच्छा, तो ये काम कितने दिन से चल रहा है अब यहाँ पे? ये काम को हो गए 10 दिन। हो गए 10 दिन से हो गए है ना। हाँ, काफी अच्छे तरीके से हैवी तरीके से काम चल रहा है। ये नहीं है कि बहुत हैवी मटेरियल इसमें लग रहा है ना। तो नीचे मतलब इसमें ये क्या हो रहा है अभी? जैसे ये नीचे बेसमेंट बनेगा। अच्छा, ऊपर फर्श पड़ने के बाद ऊपर बाबा श्याम के जैसे पड़ने के बाद, अच्छा ऊपर मंदिर बनेगा। ऊपर मंदिर बनेगा। तो यहाँ पे ये जो है नीचे बेसमेंट बनवा रहे हैं भजन वजन करने के लिए, नीचे भजन वगैरह करने के लिए बेसमेंट बनेगा। अच्छा, किसी का जन्मदिन है, जन्मदिन है छोटा बाबा का, कोई कीर्तन भजन कीर्तन या छोटा भी कुछ भी प्रोग्राम होगा, वो नीचे आराम से बेसमेंट में होगा। बाकी बाबा श्याम के जैसे दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी की मूर्ति ऊपर रख के, अच्छा वो ऊपर रखी जाएगी और सेकंड फ्लोर पर रखी जाएगी। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आज ये काम चालू हो रहा है, लेकिन अभी काम कर नहीं रहे लोग हैं कैसे? मतलब धीरे धीरे चाय पी। अच्छा, आप लोग भैया कैसे हो? जय श्री श्याम। चाय पी ली? चलो बहुत अच्छी बात है। और काम चल रहा है? काम चल रहा है इसमें। अच्छा, मंदिर बनेगा। तो ये आप अभी बेसमेंट तैयार कर रहे हैं यहाँ पे? क्या चीज? एक बेसमेंट करने वाला बेसमेंट, दूसरा स्थान रख जाएगा। अच्छा अच्छा, दूसरे पे ही फिर जो है बाबा का स्थान आ जाएगा, उनका स्थान आ जाएगा वहीं पे, जहाँ पे बाबा श्याम जी ने जहाँ दर्शन देते हैं वहीं पे उनकी मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी। जो बहुत अच्छी बात है। तो कैसा लग रहा है आप इतने अच्छे कार्य में जो है? अच्छा लग रहा है, बहुत। यहाँ से काम छोड़ने का तो मन करेगा? मन नहीं करेगा बिल्कुल, बाबा श्याम के लिए बहुत अच्छा लगेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। बहुत भाग्यशाली हो आप लोग भी जो इसमें बाबा के कार्य में जो है इनका भी एक सहयोग रहेगा। आने वाले टाइम में आप भी जो है कहोगे कि भाई यहाँ पे मैंने मंदिर में जो है काम किया है, भाई कुछ भी सही, लेकिन आपने भी अपना पूरा उसमें वो दिया है। चलो बहुत अच्छी बात है। ये भाभी हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेबर वगैरह जो भी हैं सब इनकी सेवा में लगे रहते हैं। और यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं, यहाँ पे बहुत भक्त भी आ जाते हैं, भजन कीर्तन यहाँ पे डेली चलते ही रहते हैं। कितने बजे के आसपास होते हैं यहाँ पे? 2 बजे के बाद भजन कीर्तन। अभी जो है जैसे ही सब अपने फ्री हो जाते हैं तो यहाँ पे अपना सारे आके बाबा का दर्शन करके यहाँ पे 5:30-6 बजे तक भजन कीर्तन ही होगा। 5:30-6 बजे से फिर यहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह यहाँ पे चालू हो जाते हैं। आरती में भी काफी भीड़ हो जाती है। आरती शाम को 6 बजे होती है डेली, और मॉर्निंग में 7 बजे 7 बजे सुबह 7 बजे से। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब तक मंदिर बन रहा है तब तक भी यहाँ पे आपका भजन कीर्तन आरती वगैरह यहाँ पे पूरा मतलब बाबा के लिए चलता रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा सारा मटेरियल वगैरह सारा कुछ आ गया है, बस ये समझ लिए थोड़ा समय तो देखो हर चीज में लगता है। तो यहाँ पे मंदिर अब बाबा का, खाटू श्याम बाबा का यहाँ पे हर्ष विहार में जहाँ पे बाबा ने दर्शन दिए थे वहाँ पे पूरा भव्य मंदिर यहाँ पे बनने जा रहा है। तो जैसा भी है अब आगे मैं आपको अपने ब्लॉग्स में आपको दिखाता रहूँगा।